हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत। आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। जैसे कि मैं पहले ही तीन चार वीडियो बना चुका हूँ और भी वीडियो लाते रहूंगा इस पर, तो आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होगा वो एडवांस लेवल का होगा। ताकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ के जाएं। अगर कोई मुश्किल तो कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन बाय चांस अगर इस टाइप का भी सवाल है तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में आपको टिप्स देते रहता हूँ, तो इस वीडियो का भी टिप्स यही है, सेम टिप्स है, प्रैक्टिस 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 करते जाएं। कभी भी हल्के में ना ले किस चीज को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपके इंटरव्यू में अगर एक नंबर भी ज्यादा आ जाता है ना, तो आप इसका आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि इंटरव्यू बहुत इजी तो होता है, बहुत इजी होता है, और इसे कभी भी लाइटली ना लें। जो है स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोले, कहानी ना बनाएं, अपना पर्सनालिटी शो करें, ड्रेसअप अच्छे से रखें, लुक अच्छा रखें, ऐसा नहीं कि हीरो बन जाए। तो सिंपल जो फॉर्मल लुक होता है वो रखें, और सवाल जरूर पूछें। सवाल पूछिए, इससे आपका जो है, जो आपका जो इस क्या बोलता है, आपका जो उनके सामने रिप्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो है, बेसल्स नॉर्म क्या है? बेसल्स नॉर्म इंटरनेशनल बॉडी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उस टाइप की है। वो बेसल्स नॉर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेसल्स नॉर्म क्या होता है? बेसल्स नॉर्म अभी 3 चल रहा है, बेसिकली बेसल्स नॉर्म 1 और 2 एंड 3 भी आ चुका है। बेसल्स नॉर्म क्या है, इसका लेंडिंग पर क्या इम्पेक्ट होता है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तीसरा दूसरा सवाल सॉरी तीसरा नहीं दूसरा सवाल कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, एसएमई लेंडिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट लेंडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लेंडिंग क्या होती है। तो ये सब आपको सवाल जो है मालूम होना चाहिए। और इसमें से ये जो है ना, ये सब जो ये जो सवाल है ना, ये इसका एडवांस बनाता है। ठीक है, ये अगर इसके जो पहला सवाल है, ये जो है इसका बेसिक सवाल है। अगर उसमें इनमें ये पूछ दिया इसमें सेगमेंट कौन सा है जो पोटेंशियली बहुत ज्यादा, मतलब बोर्ड कहता है कि उसका पोटेंशियल है काफी आगे पीछे में जाने के लिए और क्यों, तो आप इसमें आप बता सकते हैं कौन सा है। ठीक है, ये एक बेसिक सवाल। इसमें मान लीजिए बेसिक सवाल क्या हो गया कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होती है, ये आपसे एक बेसिक सवाल हो गया। लेकिन उसमें उन्होंने एक सवाल ऐड कर दिया कि वीक्स क्या है प्रायोरिटी सेक्टर में, तो ये क्या हो गया, ये एडवांस हो गया। तो ये सब जो है, और इस तरह के रिस्क को जो है बैंक कैसे मिनिमाइज करे, ये सब जो सवाल है ये एडवांस हो गया। एडवांस क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होना चाहिए। लोन को आप स्क्रूटिनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सेगमेंट प्रोसेस क्या है, बैंक में बैलेंस शीट क्या होता है, बैंक जो मैनेज कैसे करती है बैलेंस शीट, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। स्क्रूटिनाइजेशन के लिए उस बैंक का क्रेडिट सॉरी जिसको साइन कर रहे हैं उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट बिहेवियर क्या है, बहुत सी देख सकते हैं। ठीक है, जो पांचवा सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेरियस टाइप्स का जो क्रेडिट रिस्क है बैंक वो क्या फेस करती है, क्या फेस करती है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और इस जो क्रेडिट रिस्क का है उसका एक्सपोजर क्या हो सकता है, और तीसरा पीओ का देना चाहते हैं देने जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे आप पीपल को मैनेज करेंगे, क्या आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है, सातवां सवाल ये मैं पूछ बताना चाहता हूँ कि लिक्विड कवरेज रेशियो क्या है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है, लेवरेज रेशियो क्या है, ये सब जो है ना, ये एडवांस क्वेश्चन में इसलिए डाला हूँ क्योंकि अगर बेसिक सवाल में क्या पूछा जाएगा कि रिवर्स रिवर्स रिपो रेट क्या है, रिपो रेट क्या है, ये सब जो हो गए बेसिक सवाल हो गए। अगर यही पूछा गया है लिक्विड कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग, तो ये एडवांस सवाल हो गए, तो इस तरह का सवाल का जो है ना आंसर आप जरूर देखते होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्क टू मार्केट एंड मार्क टू मार्क वैल्यूएशन, ये जो है एकदम प्योर कमर्स टाइप का क्वेश्चन है जो बैंकिंग से रिलेटेड, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पर एकदम एट मैक्सिमम अगर कोई ऐसा पैनल मेंबर होगा जो बहुत ही अच्छा मूड में नहीं होगा, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये चैलेंजेस पूछा जा सकता है कि पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है। इससे मुझे एक सवाल अभी याद है कि एक दोस्त के साथ ये पूछा गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रोथ क्यों कर रहा है जबकि पीएसयू क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, तो अब तो ये सब जो है ना मालूम होना चाहिए। एक दोस्त से ये पूछ लिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में पांच प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बता दो, तो इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको मैं एडवांस भी ये डाला यहाँ पर, तो चैलेंजेस तो मैं डाल दिया,
फिर इसके बाद इसको जो है स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो चैलेंजेज है उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। और 11th सवाल जो है रिसेंट बैंकिंग स्कैम जो है वो क्या हुआ है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। और अगर कोई बैंकिंग स्ट्रेंथ बैंकिंग स्कैम हो गया तो आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे एज ए पीओ, तो ये जो है ना एडवांस सवाल है। होता क्या है कि बैंकिंग स्कैम आपको मालूम होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बैंकिंग स्कैम का सबसे एग्जांपल वो स्कैम क्या था, वो श्री जो आई थी उसका एक एग्जांपल वो भी है, ठीक है। तो उसका उसके बाद क्या होता है, बैंक स्कैम होने में विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, तो उसके बाद क्या है? कैसे उस जो जनरल पब्लिक है उसका आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई अगर आपका बैंक से मान लीजिए बैंक डूबने वाला है किसी का, तो बैंक से पैसा बहुत जल्द निकल गया, बैंक को पैसा वापस नहीं मिला, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो होगा कस्टमर का वो पूरा डाउन हो जाएगा, बैंक कस्टमर जो है बैंक में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। तो पीओ बफर आप इसको कैसे रिजॉल्व करें ये आप बता सकते हैं, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मॉक इंटरव्यू प्लीज डीएम मी एंड कमेंट मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर मदर एंड टाटा बाय बाय। See you in the next video with new questions and interview. Thank you.